हेलो प्यारे, एक नया कुत्ते बताएंगे क्या हो गया भाई जबरा। फिर भी आप वजन नहीं कर सकते हैं, खाते हैं अगर ये और बहुत इस्तेमाल होता है भाई। बस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, देते हैं जय हिंद जय भारत। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिजिटल पे। मैं अनूप शर्मा लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अगर ये नहीं पता है तो फिर हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम फिजिक्स में कुछ करें इसके लिए इस कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की डेट में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एलजेब्रा, एलजेब्रा तो आप लोगों ने खूब पढ़ रखी होगी, बहुत बड़ा बड़ा सा पढ़ रखा होगा, लेकिन हम तो आपको केवल बस कुछ छोटे छोटे बेसिक बेसिक बातें बताएंगे जिनका अपनी फिजिक्स में इस्तेमाल होना है, बाकी वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे जिनका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैथ में जाती हैं, तो हम केवल फिजिक्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते ही हैं क्या होती है भाई लीनियर इक्वेशन, फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे, आप जानते हैं हम फिर भी आपको बताएंगे। जैसे कहीं ऐसा ये लिख दिया हमने 3x + y = 4, है ना, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, या कहीं पे लिख दिया गया x + y = 2, यह हो गया भाई 3x + 4y = 5, इस तरीके की ये जो इक्वेशन है इनको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इन लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इनका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब जैसे हम पहले इक्वेशन को यहाँ से उठाते हैं, तो ये हो गया देखो y = -3x + 4, जनरल इक्वेशन से इक्वल करें तो ये रहा देखो -mx + c, यानी ये इक्वेशन कैसी होना चाहिए, कहेंगे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विद नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी अगर ऐसा हम ग्राफ बनाते इधर वाई एक्सिस होता इधर एक्स एक्सिस, तो शायद ये ऐसा ग्राफ हो जाता, समझ गए भाई। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं x + y = 2, y और x के लिए अगर हम ग्राफ बनाते तो y = हो गया था भाई -x + 2, यानी एग्जैक्टली बस ऐसे ही ग्राफ इसका भी हो जाता y और x, इसलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अगर इन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इनका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अब इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर अब हम लोग आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो आगे ये सब सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों ने टेंथ में खूब पढ़ी, ax² + bx + c = 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है भाई पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ कैसा होता है भाई, पैराबोला होता है भाई। ठीक है भाई, खैर अब हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग कहते थे यहाँ एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू होना चाहिए, एक वैल्यू को अगर हम लिखते हैं x1, तो x1 एक्स की दो वैल्यू हो गई भाई, एक x1 हो गई और दूसरी x2। अब x1 अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं -b + √d² - 4ac / 2a, और x2 कैलकुलेट करते तो ये भी होता -b - √d² - 4ac / 2a, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ऐसे इक्वेशन को हमने क्या कह दिया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो यहाँ x की दो वैल्यू होंगी,
एक को हम कहेंगे एक्स वन, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं एक्स टू। अब ये जो इनकी दो वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक्स वन एक्स टू की अगर हम बात करें, तो एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू, ये लिखा है ना सी, तो एक्स वन एक्स टू होता है सी अपॉन ए, यानी स्क्वायर टर्म के साथ जो कोफिशियंट है वो ए होगा, और बिना किसी एक्स वाले के साथ में जो लिखा है वो क्या होगा, जो नंबर वगैरह होगा वो कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। तो एक्स वन एक्स टू क्या हो गया भाई, सी अपॉन ए, और अगर इनको हम प्लस कर दें आपस में, एक्स वन प्लस एक्स टू कर दें, तो इसको हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। समझ गया भाई, क्या लिख देते हैं इसको, माइनस बी अपॉन ए कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है भाई, नहीं ना? तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको 10th में हम लोगों ने पढ़ा, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ के छोड़ चुके हैं, हमको क्यों बताया जा रहा है। तो इसे हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स देखिए, काइनेमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो काइनेमेटिक्स में आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यानी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद प्रोजेक्टेड अपवर्ड, समझ गए भाई, चलो वेलोसिटी भी भूल जाओ, सच दैट इट क्रॉसेस अ पॉइंट, समझ गए, क्रॉसेस अ पॉइंट आफ्टर टाइम T1 एंड T2, ठीक है, आफ्टर टाइम T1 एंड T2, देन फाइंड द हाइट, देन फाइंड द हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, गए भाई। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है, उसको हमने फेंक दिया। अब वो जब जा रहा था तो किसी पॉइंट को T1 टाइम पे क्रॉस किया, फिर लौट के आ भी रहा होगा, फिर T2 टाइम पे क्रॉस किया। अब आपको बताना है कि हमने उसको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और जो पॉइंट है जिसको पार्टिकल क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए। तो हमने आपसे कह दिया कि भाई देखिए ये ग्राउंड हो गई, और इस ग्राउंड से हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, मान लीजिए यू वेलोसिटी से, बट यू इज अननोन, यू हमें फाइंड करना है, यू हमें कैलकुलेट करना है, यू न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, यानी यू न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। अब यू वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, पार्टिकल ऐसे गया और लौट के ऐसे आ रहा होगा, ये मान लो कोई पॉइंट है, तो जब पार्टिकल हमारा इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा था तो ये कितने टाइम पे था, T1 टाइम पे। अब लौट के जब आ रहा होगा यहाँ पे तो कितने टाइम पे है, T2, प्रोजेक्ट कब किया था हमने, 0 टाइम पे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पॉइंट की हाइट क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आप काइनेमेटिक इस्तेमाल करते, तो देखिए इस हाइट एच के लिए लिखें तो ये एच इज इक्वल टू होता है यहाँ पे UT माइनस हाफ GT2, एच इज इक्वल क्या होता है यहाँ पे, UT माइनस हाफ GT2 होता। अब UT माइनस हाफ GT2, इसको अगर हम ढंग से अरेंज करें तो हाफ GT2 माइनस UT प्लस H इज इक्वल हो गया 0 हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें इसे,
और अपनी पिछली इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो ये कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जैसी दिख रही है। यानी हम कहेंगे कि ये इक्वेशन काइनेमेटिक्स की ये इक्वेशन टाइम के लिए क्वाड्रेटिक हो गई। अब काइनेमेटिक्स की ये इक्वेशन टाइम के लिए क्वाड्रेटिक हो गई तो सेम हाइट पे टाइम की दो वैल्यू होंगी, हैं भी। देखिए सेम हाइट के लिए टाइम की दो वैल्यू हैं, एक टी वन है और दूसरी टी टू है। अब हम यहाँ एस पर क्वाड्रेटिक कहते हैं, यहाँ टाइम की दो वैल्यू होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए टी वन, दूसरी टाइम क्या होना चाहिए टी टू। तो अगर हम यहाँ लिखते टी वन प्लस टी टू तो टी वन प्लस टी टू इज इक्वल क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू है, तो माइनस माइनस यू हो गया और ए की जगह में क्या लिखते हैं हम, जी बाई टू। तो देखिए वेलोसिटी या प्रोजेक्शन हमको मिल गया जी बाई टू टी वन प्लस टी टू। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम थी, क्वाड्रेटिक के बेस पे हमने लिख दिया, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। दूसरा पार्ट था इस इक्वेशन में कि हाइट बताइए भाई क्या होगी। अब हाइट कैलकुलेट करना है तो देखिए टाइम की दो वैल्यू हैं, हमने कहा टी वन टी टू, प्रोडक्ट ले लीजिए इसका। तो टी वन टी टू यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी बताया था हमने एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो यहाँ टी वन टी टू इज इक्वल क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पे, एच, और ए कितना हो गया, जी बाई टू। फटाफट लिखा हमने एच अपॉन जी बाई टू, आंसर आ गया हाफ जी टी वन टी टू। यानी हाफ जी टी वन टी टू टाइम हाइट होगी, हाफ जी टी वन टी टू हाइट हो गई, और वेलोसिटी या प्रोजेक्शन कितनी है, हाफ जी टी वन प्लस टी टू। यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया, कम से कम कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन जीरो, जीरो कैलकुलेशन और आंसर आ गया। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स में खूब इस्तेमाल होगी, जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखें आप फटाफट उसका इस्तेमाल कर सकते हो। काइनेमेटिक्स में अभी आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, और भी कई इक्वेशन है जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनती है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने आंसर निकालिए। दूसरी चीज़ है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। अब ग्राफ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई, चलते हैं फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। अब देखिए ग्राफ की अभी अभी हमने बात किया कि y इज इक्वल टू, अभी ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, है ना, ये भी क्वाड्रेटिक जैसी इक्वेशन है, पैराबोला है, इसमें ग्राफ बनाएंगे भाई y और x का, समझ गए भाई। वैसे इक्वेशन में जो ग्राफ बना लेते हैं वो कैसा हो जाता है, पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ जब पढ़ाएंगे उस समय ग्राफ की बात करेंगे। अभी देखिए और हम लोग देखते हैं अगले पे क्या लिखा है भाई। तो ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए आगे कुछ सीधे सीधे अलजेब्रा में कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे a प्लस बी का होली स्क्वायर, बहुत ही इस्तेमाल होता है a प्लस बी का होली स्क्वायर। a प्लस बी का होली स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होली स्क्वायर लिखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखा होगा, लिखा है ना। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ये फार्मूले हम लोगों को आने चाहिए, तो ये फार्मूले भी आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। पढ़ डालिए इनको, रट डालिए, रटे रहिए, क्योंकि इनका बहुत इस्तेमाल होता है कहाँ पे, फिजिक्स में। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इतने फार्मूले आपको रटने हैं। मैं आपको फालतू की एक भी बात नहीं बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी ही नहीं बहुत ज़रूरी है, समझ गए भाई। तो आप इसका है कि स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे फार्मूले रटिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ करके आगे देखिए, यहाँ पर फिर कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। इन फार्मूलों को हम लोग फैक्टर के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या कुछ वैल्यूज न्यूमेरिकल में जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और हमको इस फॉर्म में दिख जाते हैं तो फटाफट हम उनको ऐसे लिख लेते हैं फैक्टर के फॉर्म में, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये फार्मूले फैक्टर के लिए हैं, इन्हें आप तुरंत याद करेंगे, तुरंत रटेंगे बिना देर किए हुए, क्योंकि ये फार्मूले भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म मिल गया हमको, बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत लंबे चौड़े से इक्वेशन होती है, बहुत सारे कायदे कानून इसमें अप्लाई होते हैं, पढ़ने में उन सबसे कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स में हम जितना इस्तेमाल करते हैं या हमारी फिजिक्स में जितना पार्ट इस्तेमाल होता है वो बस इतना सा होगा, ऐसे कहीं लिख दिया गया भाई। कि वाई वाई नहीं, वन प्लस एक्स की पावर एन, यानी वन क्या चीज़ है, यहाँ पे नंबर है, एक्स हो गया वेरिएबल, एक्स हो गई पावर, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा, वन प्लस एन एक्स हो जाएगा। या कहीं आपको भाई कैलकुलेशन मिल गया, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन, ऐसे एग्जैक्टली ओपन करेंगे, लिखेंगे वन माइनस एन एक्स, हो गया इसका अप्रोक्सीमेशन। वैसे इसमें और भी अभी हायर टर्म कुछ होते हैं, बट उन हायर टर्म की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम आपको बताएंगे ही नहीं। बस इतना सा जैसे ही आपको दिखेगा इस फॉर्मेट में आप लिख देंगे, कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए ये फार्मूला कितना छोटा सा लग रहा है बड़े काम का फार्मूला, जरूर ये छोटा लग रहा है लेकिन है ये बड़े काम का, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। चलिए ये दिया हमने आपको एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है भाई, ये लिख लिया हमने 1001 और पावर लगा दी इसकी 1/3, समझ गए भाई। अब हमें 1001 का क्यूब रूट निकालना है, सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1001। अब इसका क्यूब रूट निकालना है जो काफ़ी डिफिकल्ट काम लग रहा है, क्या करेंगे हम, कहेंगे करना कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे लिखिए इसको 1000+1 और पावर लगा दीजिए 1/3, यानी अभी भी है ना ये 1001। अब क्या हुआ, कहेंगे अभी भी कुछ नहीं हुआ, आप देखिए अगर हम इसमें से कॉमन निकालें कितना 1000, अगर 1000 कॉमन निकालेंगे तो बाहर कितना निकल के आएगा 10, यहाँ क्या हो गया 1+1/1000 और अभी भी पावर कितनी लगी है 1/3, समझ गए भाई। तो ये हो गया देखो 10 और 1+0.001 और पावर हो गई इसकी 1/3। और अच्छा लिखते तो ये रहा देखो 10 1+0.0001/3, काम खत्म हो गया, आंसर ले आते 10.0033, समझ गए भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना अच्छा आंसर आ जाएगा। यानी इस बाइनोमियल थ्योरम का ये कमाल है कि आपने फटाफट कैलकुलेट करके बता दिया कि 1001 का क्यूब रूट कितना होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और नीट वाले बच्चे जानते होंगे कि, चलिए एक और छोटा सा आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहीं पे। अब ये है देखिए अर्थ, अब अगर हम अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू निकालते हैं तो ये होती है gm/r², जिसमें r तो हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, और अगर हम यहाँ पे g की वैल्यू निकालें h हाइट पे, तो यहाँ ये वैल्यू होती है g' होती है gm/r+h²
अब देखिए हमें जी डैश पता करना है, जी की वैल्यू पता है, हाइट गिवेन होगी ये न्यूमेरिकल में, जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम है मास ऑफ अर्थ। अब इतनी सारी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू तो मास ऑफ अर्थ की गिवेन नहीं होगी, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट करना होगा। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, लिखा हमने जी डैश अपॉन जी, तो जी डैश अपॉन जी हो गया फिर यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होली स्क्वायर, यानी ये जी डैश इज इक्वल हो गया जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होली स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इस आर स्क्वायर को हम नीचे लेकर के आए तो शायद ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर और ये हो गया स्क्वायर, समझ गए भाई। और इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो अब क्या लिख सकते हैं, कहेंगे जी वन प्लस एच अपॉन आर लिख सकते हैं, लेकिन अब हमको पावर माइनस टू करनी पड़ेगी क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर से ऊपर गया हुआ है, तो जिसको नीचे से ऊपर लेकर गए तो पावर क्या हो गई भाई, माइनस हो गई, माइनस टू लिख दिया, तो ये हो गया जी डैश इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे हमने यूज किया बाइनोमियल, देखिए बाइनोमियल की जो अपनी इक्वेशन है वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, बढ़िया से फिट हो रही है ना, ये वन हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये पावर आ गई, तुरंत लिखा हमने इसका वन माइनस टू एच अपॉन आर, समझ गए। यानी जी डैश की जो वैल्यू है वो वहां पे ऐसे ही होना चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है तो बहुत छोटी सी, काम बड़े बड़े कर दिया इसने, देखिए दो क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाए अच्छे लगे। दूसरा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खूब इस्तेमाल होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप रट के रखेंगे, साथ में हमने आपको बताए कुछ फार्मूले, उन फार्मूलों को भी आप बिल्कुल रट लेंगे तो एलजेब्रा का काम यहाँ से चलता रहेगा। बाकी बचा सीक्वेंस एंड सीरीज वो हम किसी दिन आपको 10 मिनट में पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। और बताओ और कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे रोक देते हैं, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी यानी कल।